हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, इसके पिछले वाले एपिसोड में हमने इस जो एलिवर गली स्कूप बैट का रिव्यू किया था, और आज के इस एपिसोड में हम इसका टेस्टिंग करेंगे दोनों हार्ड बॉल और सॉफ्ट बॉल के साथ, और इसका शॉट मेकिंग देखेंगे कैसा शॉट ले रहा है ये वाला बैट। जैसे कि मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि ये स्कूप बैट हमने जो लाए हैं ये सिर्फ हल्का बॉल के लिए लाए थे, तो इसमें हम हार्ड बॉल भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा इसमें वो जो कनेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का इस एपिसोड। ये जो मेरे हाथ में ये हल्का टेनिस बॉल है ये गुरु का है, तो इसमें अब थोड़ा बहुत शॉट देखेंगे इसके साथ और कैसा कनेक्शन हो रहा है। अभी थोड़ा आपको पंच करके दिखाता हूँ इसमें कैसा आवाज़ निकल रहा है। देखिए ये फिलहाल ये जो हल्का बॉल है ना, ये इसमें जो हम पंचिंग कर रहे थे ये बहुत बढ़िया रेस्पॉन्ड दे रहा था, जैसे कि लग रहा था लंबे लंबे शॉट जाएंगे इसमें। तो अभी फिलहाल हम खेलेंगे जब पूरा पता चल सकता है कितना दूर जा रहा है ये हल्का बॉल के साथ ये वाला बैट। तो चलिए दोस्तों कुछ शॉट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ शॉट इस हल्का बॉल के साथ। अभी जब भी खेल रहे थे ना हम, जब शॉट को टाइमिंग कर रहे थे तो ये वाला शॉट बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा था इस बैट में। जब भी हम ज़्यादा जोर से घुमाने की कोशिश कर रहे थे तभी मिस टाइमिंग होके वो वाला शॉट अच्छा नहीं कनेक्ट होता था। तो फिलहाल ये बैट अभी नया है, और नए बैट में तो आप लोगों को पता है जब भी जो नया वुडन बैट आता है तब शॉट का टाइमिंग इतना अच्छा नहीं होता है, और थोड़े दिन खेलने के बाद इसका जो शॉट होता है वो अच्छा बेटर से बेटर होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो शॉट कनेक्शन है अभी फिलहाल अच्छा है। अब इसको अगर शॉट को टाइमिंग करते हैं तो बहुत अच्छा शॉट लगेगा इसमें। अभी हम हार्ड बॉल के साथ इसको भी चेक करेंगे, देखेंगे कैसा शॉट ले रहा है। तो दोस्तों इस बैट के साथ हम बहुत सारे शॉट खेले, अभी फिलहाल सारे शॉट तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो हार्ड टेनिस बॉल का शॉट था वो चलेगा, इतना भी अच्छा नहीं था फिर भी चलेगा, क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन किया गया है सॉफ्ट टेनिस बॉल के लिए। तो इसमें आप सॉफ्ट टेनिस बॉल खेलेंगे तो अच्छा होगा, हार्ड टेनिस बॉल इसमें खेल सकते हैं लेकिन इसका जो लास्टिंग है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जितने दिन लास्टिंग करने वाला था वो लास्टिंग उतना दिन नहीं करेगा अगर आप इसमें हार्ड टेनिस बॉल खेलते हैं तो। लेकिन ये जो सॉफ्ट टेनिस बॉल के साथ बहुत बढ़िया बाय होगा आपका। इसका जो प्राइस था 1590 रुपया था। आप चाहें तो इसको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था बस आज के लिए। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ आगे भी।